और हमारे कराची में प्रोग्राम हुआ था इस साल आपके यहाँ चार जनवरी आपके का पूरा एक साल हो गया और एक साल ऐसे गुजर गया उसमें नहीं मिले अल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन के दर्जा और अभी खुदा है कि कोई 19-20-21 ऐसे आम हो जाते हैं, इतने मारूफ हो जाते हैं कि बच्चा बच्चा सिर्फ अपने वतन में नहीं पूरी दुनिया में जाने लगता है। उनके जो मामला थे, उनकी जो तहरीर थी, जो उनका जो अंदाज था, वो अच्छे अच्छे इंसानों को जोड़ देते थे। इकबाल ने कहा ना कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये राजद बना, किरदार का बाजी बनना सका, तो ये थे किरदार के बाजी। एक होती है इंसानी पर्सनलिटी, शख्सियत, एक ये जो पर्सनलिटी है ना, उसका ताल्लुक ना वो जाहिर से हर इंसान का तक मेरी जो पर्सनलिटी अच्छी हो जाए, लेकिन इसका ताल्लुक भी ना जाहिर से। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किरदार के मालिक होते हैं, जाहिर पर्सनलिटी कुछ नहीं होती। हालांकि पर्सनलिटी भी हो और किरदार भी हो तो सुभान अल्लाह। तो किरदार उसे कहते हैं कि बंदा तन्हाई में जो हो ना वही वो है किरदार, सुभान अल्लाह। यानी कि बाजार में आकर सबके सामने कोई पता नहीं क्या से क्या बन जाए, कुछ तो ऐसे पता नहीं बड़े बड़े हीरो पुरुष बने 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 और मामला अंदर के ऐसे हैं अल्लाह माफ करता है, हम किसी का नाम नहीं ना नाम में ना जायज ना किसी इज्जत करते, लेकिन मामला ये है कि जो बंदा तनहाई में हो ना वो इसका किरदार है। और वो अगर अच्छा हो, वो इमाम शाफी से पूछा ना कि मोमिन कौन है, तारीफ क्या है, कहा मोमिन वो है जिसकी तनहाई पा है साहब का किरदार। तो अल्लाह ताला हमें अमीरुल मुजाहिदीन की तरह किरदार का भी गाजी बन जाए। मेरे महफिल में मेरे अल्फाजों से किसी को तकलीफ भी हो, मेरे अंदाज से किसी को तकलीफ भी हो, कोई रंज पहुंचा हो तो मैं उससे माफी चाहता हूं, बट तकाजे बशरी पढ़ने से मुझे गलती होता ही नहीं, अल्लाह के हुजूर तौबा का तकाजा है। विदाउन इजाजत के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।